हैं दोस्तों। भाई आज हम जा रहे हैं ज्वाली पार्क, तो अपना दोस्त अबू भी है और साथ में शुभम भी है, तो हम चलते हैं भाई। बाइक वगैरह स्टार्ट करते हैं तो दिखाते हैं आपको क्या क्या माहौल है वहाँ का। तो चलो भाई चलते हैं। करेगा ड्राइवर? ओके भाई चलते हैं। करो भाई ड्राइवर। अबू यार तू करेगा ड्राइव? या ये शिव भाई कर यार ड्राइवर। ठीक है भाई, इसकी ड्राइविंग ओके है भाई। अजय की दुकान है, अजय की दुकान आगे है वहाँ चौक पर आएगा अजय की दुकान। हाँ जी राइडर आ चुका है। हाँ भाई क्या हाल चाल है भाई? नई बाइक ले ली कोई भैन जी ने की पार्टी शार्टी नहीं? पार्टी शार्टी का कोई नाम ही नहीं। पार्टी कर ले, अभी कर ले पार्टी यार। अभी क्या करनी है यहाँ? क्या करनी यहाँ? तो भाई कोई दुकान नहीं। खिलाएगा क्या? खिलाएगा क्या? क्या खाना भाई? तू जो खिला देगा वो खा लेंगे हम। भाई कितने की बड़ी, कितने की बड़ी बाइक है? तीन लाख की भाई बाइक पड़ गई। और मैं यार बोल रहे हैं एक बंदा इसके साथ हो जाता है, ये भी ज्वाली को जा रहा है पार्क की साइड में। तो भाई ज्वाली पार्क की साइड जा रहे हैं, जाना है तूने? हाँ। और रास्ते में हमारे साथ ही रहेगा तो मैं शुभम के साथ चलता हूँ। ओ भाई प्रोटीन का डब्बा नहीं खड़ा, तू पार्टी देगा आज ज्वाली में? ठीक है चलो कोई बात, कोई नहीं। ठीक है भाई चलो, ठीक है भाई चलते हैं। ठीक है ड्रॉप कर दिया क्योंकि बाबा जी ने बाल वगैरह कटवाने हैं। तो भाई आगे चलते हैं हम। चलें भाई आगे चलो, दुकान जा रहे हैं बाबा जी। तो आगे चलते हैं। जो भाई यहाँ से यार कितनी दूर है? जो भाई कितनी दूर है यहाँ से? 5-6 किलोमीटर है। 5-6 किलोमीटर है। तो भाई अमित जो हमारा भाई था रास्ते में, मैंने आपको दिखाया था नई बाइक ले ली उसने, तो भाई आगे निकल चुका है। तो शुभम भाई ये बोल रहा है बाइक फेंट नहीं पड़ी, काफ़ी रेस दे रहा है भाई, तो कर लेगा कवर अप। तो भाई आगे देख लो भाई, शुभम भाई राइड कर रहा है। शुभम भाई का यार भाई लगता है ये अमित है इसका नाम है। तो इन्होंने नई बाइक ले ली है, तो आज पार्टी वगैरह पता नहीं करवाता है या नहीं करवाता है, देखते हैं। क्या भाई अबू भाई का भी मज़ा ले रहा है भाई, देख लो तो डुग्गी नज़र आ गया, देख लो कितना सुंदर है। दोस्तों हमने पेट्रोल डलवा लिया बाइक के में, क्योंकि आपको पता आगे का सफ़र भी वही तय करना है, तो पानी से तो चलती नहीं है भाई। चलो वही चलते हैं क्योंकि भाई लेट हो रहे हैं, तो वैसे ही टाइम काफ़ी हो चुका है, 10-11 बज चुके हैं। तुम चला लेंगे नाका नुक होगा देख लिया क्या? तो भाई हम पार्क में पहुंच चुके हैं, तो आपको पार्क का व्यू वगैरह बताते हैं। तो अबू भाई और जो शिबू भाई आगे पहुंच चुके हैं, तो माहौल वगैरह देख रहे हैं। तो भाई सामने हमारे एक मंदिर भी है, तो दिखाते हैं आपको माहौल वगैरह क्या है। सामने मंदिर है, मंदिर में चलते हैं। ये भाई मंदिर है, गेट के पास पहुँच चुके हैं। तो ये फाइनली भाई मंदिर की घंटी वगैरह है, तो दिखाते हैं भाई मंदिर बंद है या खुला है। शिबू भाई यार मंदिर का तो दरवाजा ही नहीं दिखाई दे रहा है। ये भाई मंदिर का दरवाज़ा है, तो देखते हैं भाई बंदा ये खुला है। मछली का तालाब हुआ करता था भाई, अब सूख चुका है, मछली वगैरह सब मर चुकी हैं। तो ये देख लो भाई कितना ऊंचा मंदिर है, तो बताते हैं भाई क्या माहौल है। शिव का मंदिर है भाई, प्यास लग पड़ी है तो पानी वगैरह पी लेते हैं थोड़ा सा। भाई प्यास लग पड़ी है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। भाई देख लो नलकी की हालत हो चुकी है, झरना ही बह रहा है। पानी पी लिया है तो प्यास बुझ गई। शिबू भाई तूने पीना है पानी? नहीं पीना है। चले भाई मंदिर के अंदर चलते हैं, आ जा मंदिर देखते हैं। खुला ये बंद है? खोल यार शिबू, बंद है यार। तो ऐसे ही दिखा देते हैं मंदिर का नज़ारा आपको, बाहर से माथा वगैरह टेक लेते हैं। ये तो कोई कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंग की हुई है।
दोस्तों काफ़ी खतरनाक तरीके से भाई चित्रकारी की हुई है, देख लो भाई भगवान की ऐसे लग रही है, रियल फोटो ही है। तो शुभ भाई चलते हैं ऊपर यार पौड़ियों पर, चलो भाई। दोस्तों शुभम भाई भाई पौड़ियों पर चढ़ चुके हैं भाई, आगे देखते हैं भाई कौन सा मंदिर है। तो भाई ये भी मुझे लगता है शिव का ही मंदिर है, देखते हैं। दोस्तों आज भाई मंदिर बंद था तो काफ़ी नज़ारा तो आया नहीं, देख सकते हो भाई अंदर नज़ारा। तो शुभम भाई का मूड थोड़ा ऑफ हो गया क्योंकि मंदिर बंद था, नीचे है तो वो हमें बुला रहा है, तो हम जा रहे हैं अभी नीचे। समंदर नहीं दिखना, हाँ हमने नाम देख सकते हो आप पार्क का, तो भाई राजीव गांधी प्रकृति पार्क है। तो चलते हैं भाई अंदर का नज़ारा दिखाते हैं आपको। दोस्तों भाई पार्क का नज़ारा भाई बम्ब है भाई, देख लो कितनी सफाई है पार्क में, कितना सुंदर पार्क है। तो भाई ओके है भाई, देख लो कितना ही सुंदर पार्क है। ये भी झरना अभी बंद है। दोस्तों भाई अबू भाई बोल रहा है भाई झरने को देखकर भाई प्यास लग पड़ी है, तो मैंने बोला भाई पानी घर से वगैरह आपको मैंने दिखा दिया है। तो भाई मिनी हरिद्वार आपको दिखाते हैं, ये सामने भाई हमारे मिनी हरिद्वार है, तो आपको वहाँ का नक्शा बताते हैं, मंदिर भी दिखाएंगे भाई, लगा देंगे छलांग लगा दिए, काफ़ी कुछ लग रहे हैं। तो भाई अभी हम आपको दिखाएंगे, आपको अभी दिखाएंगे हम मिनी हरिद्वार। तो दोस्त हमारे गैंग पूरी पार्टी जा रही है साथ में, लोग चन से पहुँच गए, तू इतने बह के भंग रगड़ी जाना है। लो गाइस हम अभी का ब्लॉग तैयार कर रहे हैं, हम खुद आए हैं ब्लॉगर ने, तो देख लो नज़ारा, नज़ारा देखो नज़ारा। लगता हम सही रहे हैं कि नहीं, ऐसे सही लग रहे हैं यार देख। ओके रिपोर्ट, ओके रिपोर्ट है ना, देखते हैं क्या होता है। ओ कहीं दिखी दिखी आना पौना, ओले ओले आया इस मिनी हरिद्वार, इसे कहते हैं मिनी हरिद्वार, जो हमारे भोलेनाथ बाबा की मूर्ति एक वो है, ये हमारा शमशान, अंतिम यात्रा वो सब की आनी है, अंतिम यात्रा। जय बाबा भोलेनाथ, जय हो, ये अंतिम यात्रा इसे कहते हैं मिनी हरिद्वार, वो बाबा भोलेनाथ की मूर्ति नीचे, ये पैड़ियाँ सीधी। फ्रंट कैमरा कर लेता, फ्रंट तो है यार, ये क्या कहते हैं इसको, बैक कैमरा नहीं हो रहा इसका यार, एक मिनी हरिद्वार कहते हैं इसको, ये देखो अच्छा है हरिद्वार से, अच्छा है ये देखो। यार काफी ऑनर आ गए हैं चैनल के भाई, ऑनर नहीं अबू भाई भी हमारा ऑनर ही है यार, देख लो। तो भाई सामने भाई शिव की मूर्ति बताई दोस्तों को, शिव भाई भी भाई बताइए, देख लो शिव की मूर्ति भाई कैसे विसर्जन की हुई है सामने भाई, ये है हमारा मिनी हरिद्वार, तो इसको भाई छोटा हरिद्वार भी बोला जाता है। तो भाई अबू भाई कुछ पता है इसकी मान्यता के बारे में, मान्यता के बारे में मिनी हरिद्वार के बारे में क्या बताएं यार भाई, यहाँ पर अभी यात्रा है, इधर अंतिम यात्रा होती है और इधर भाई पीछे वो शमशान घाट है, यहाँ पर अंतिम यात्रा होती है, यहीं पर अस्थियाँ विसर्जित हो जाती है। तो भाई आपको हरिद्वार जाने की लोड़ नहीं पड़ती है, यहीं भाई छोटा हरिद्वार माना जाता है, काफ़ी मान्यता है, यहीं से भाई वो जिस बंदी की अस्थियाँ होती है उसको मुक्ति मिल जाती है। मृत्यु कांड है ये भाई, आप देख सकते हो सामने भाई पुल देखो कितना बड़ा, ये भाई हिमाचल का पता नहीं रेलवे का पहले नंबर का पुल है या दूसरे नंबर का पुल है। लड़कियाँ सुसाइड भी कई है, सुसाइड भाई कर सकती हैं लड़कियाँ भाई। तो भाई चलते हैं भाई मंदिर वगैरह भी दिखाते हैं शिव भाई, चले की है सुसाइड भाई, ठीक है भाई। ये शिव की मूर्ति है, तो भाई ओम नमः शिवाय। तो भाई मंदिर वगैरह तो दिखाते हैं। तो गाइस लोग काफ़ी कुछ लग रहे हैं, तो हम भाई यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि आपको मिनी हरिद्वार मैंने बता दी, ये हमारा मिनी हरिद्वार है।
तो भाई ये शमशान घाट आ चुका है। तो अबू भाई आपने बताया फ्रेंड्स को, दोस्तों को बताया? बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ बनाया भाई। ये सामने मंदिर बताया शिव का जो मंदिर है सामने, ये बताओ यार अंतिम तीर्थ। भाई अंतिम तीर्थ तो बता दूंगा भाई, मंदिर वगैरह दिखा दिए जो सामने वो मंदिर है। हाँ बिल्कुल, वो भोलेनाथ हमारे भाई अघोरी नजर आ गया है। तो अघोरी आपको बताते हैं, अघोरी बाबा हैं जो कि काफी प्राचीन से वैसे मुर्दों को खा लेते हैं बट हमें खाने नहीं देते इनको। हाँ जी भाई, तो ये भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहते हैं, ज्यादातर इधर साफ सफाई के मूड में रहते हैं। तो भाई ठीक है भाई, ओके। चंडाल रूप भी है ये भोलेनाथ का, हमारे भोलेनाथ साक्षात बैठे हुए हैं। साक्षात बैठे यार, मैंने माथा टेकना है यार। शुभ भाई टेक लेता मैं, चल चल तू यार, मैं टेक लेता हूँ। यह बाबा नंदी बाबा, यह भोली बाबा कृपा करने हो। पेड़ है तो भाई इसमें भी भाई हजारों देवी देवता करते हैं भाई बास, तो इसमें एक बार पूजा करने पर सारे देवी देवता भी पूजा जाती है। ये भाई देख लो शिवलिंग वगैरह भी रखा हुआ है। तो दोस्तों अभी हमने भाई आपको बता दिया है मिनी हरिद्वार और पार्क भी बता दिया है। तो अभी भाई अब भाई हम घर को जाएंगे, जा रहे हैं। हाँ बस घर चले। तो भाई आज के ब्लॉग का तो एंडिंग नहीं हुई है, तो नहीं हुई है ये, हम जा रहे हैं अंधेरी में और पार्क से भाई घर को वापस जा रहे हैं। तो पार्क में भाई पानी झरने वगैरह लगे हैं, काफ़ी सुंदर पार्क है, तो काफी एंजॉय किया यार। तुम आज मुंडे सुखी फाइट कराएगा तुम्हारे जाते ही कराई है शिपू ये लगी हो मैच। देखो यार आपको ना हमने वो तुम्हें सुखी पार्क और मंदिर आपको दिखा दिया है। तो अभी हम जा रहे हैं घर को भाई। अबू भाई यार थक तो नहीं गया है हम भाई? अबू भाई बोल रहा है थकते कहाँ हैं भाई, जितना मर्जी काम ले लो, ये जैसा शरीर हो चुका है घोड़े जैसा शरीर बना लिए चने खा खा कर। तो भाई चलते हैं, अभी आपको बताते हैं कुछ रास्ते में यूनिक चीज़ नज़र आती है तो दिखाते हैं आपको। तो भाई बाय बाय पार्क को कर दीजिए मैंने। हरिद्वार है ये भाई, नीचे मिनी हरिद्वार बह रहा है, पुल वगैरह पर आ गया। अबू भाई यार लगा यार ब्रेक, बताते हैं कुछ रुक गया। मैं और अबू और शिबू भाई पुल पर पहुंच चुके हैं। तो नीचे हमारे मिनी हरिद्वार है भाई, नीचे मतलब पुल के नीचे। तो दिखाते हैं आपको, तो ये मिनी हरिद्वार है। तो भाई यहाँ से अस्थियाँ विसर्जन करने पर भाई आत्मा को मुक्ति मिल जाती है, तो भाई हरिद्वार जाने की लोड़ नहीं पड़ती है। ये छोटा हरिद्वार है, इसकी ये मान्यता है। और यहाँ पर भाई एक महल भी है, तो आपको महल भी बताएंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, आपको बताऊंगा। यहाँ राजा का महल बनाया हुआ है ज्वाली में, तो आपको वो मैं बताऊंगा। ये भाई है सिस्टम वगैरह सेट है भैया, अभी हम पुल पर हैं। तो अबू भाई बोल रहे, अबू भाई चल पड़े अब, ठीक है भाई चले हम। चल भाई कर दे स्टार्ट भाई का, बढ़ता हूँ यार। चलते हैं भाई, चलते हैं आगे। वाह भाई ओके राइडर भाई, ये ऊपर से भाई गुजर रहे हैं भाई, काफ़ी मजा आया, काफ़ी अच्छी जर्नी थी हमारी यार। अब भाई क्या कॉल कर रहा है यार, क्या कॉल कर रहा है भाई। तो भाई यहाँ है ये पार्क का रास्ता है दोस्तों, भाई अभी कर दिया भाई भाई। तो अभी हम जा रहे हैं भाई, वो भाई देख कर चलाना यार, तेरी इसकी ड्राइविंग मुझे खतरनाक ही लग रही है दोस्तों। भाई अब आपको बताएंगे भाई बैसाखी मैदान है। शिबू भाई अबू भाई बोल रहा है ये शॉर्टकट रास्ता है, तो दिखाते हैं आपको भाई आ चुके हैं। ये भाई यहाँ पर भाई बैसाखी की जो है छिंज होती है, यहाँ ये अखाड़ा है वो छिंज मेला होता है, यहाँ होती है भाई बैसाखी। ये भाई रेलगाड़ी का पुल तो आपको दिखाई दिया है, ये शॉर्टकट रास्ते से जा रहे हैं हम अब। हाँ ये ट्यूबल है भाई, देख सकते हो पुल। हम भाई जो बड़ा बड़ा पुल है उसके नीचे से हम भाई अभी गुजर रहे हैं। जाना है भाई पुल के ऊपर, जाना है यार? नहीं जाना है अगले ब्लॉग तो देख ले यार, पुल के ऊपर जाना है या नहीं, नेक्स्ट ब्लॉग में जाना है तो कोई बात नहीं भाई, ठीक है। ये भाई पुल क्रॉस कर लिया हमने, तो देख लो भाई कितना लंबा पुल है। मंदिर है तो अभी अबू भाई बोल रहे हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जाएंगे। सर महल के बारे में आपको बताया था मैंने, ये भाई ऊपर है राजा का महल है। तो भाई यहाँ पर भी हम ब्लॉगिंग करेंगे, तो आपको बताएंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। ये सामने देख लो भाई सीधी चढ़ाई है, अबू भाई भाई काफ़ी खतरनाक तरीके से ड्राइव कर रहे हैं। तो अब भाई चढ़ जाएगी भाई, मेरे सामने देख लो भाई बस स्टैंड है।
काफी भैया लमजाया हुआ बू है नहीं, ये है बस स्टैंड ज्वाली का। जहाँ से सफ़र स्टार्ट किया था वहीं पर आकर भाई ख़त्म कर रहे हैं। तो इसी से मैं अपने आज के ब्लॉग का अंत करता हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके भाई, थैंक्स ब्रो।